I think it's a super hit song. Sounds very cliche, लेकिन मीका और मेरा जो रिकॉर्ड है, I think it's तू मेरा हीरो, which was a song in देसी बॉयज. इसके बाद मनिया सुरवे का जो एक गाना था, उसके बाद ये. So मीका also feels we're very lucky for each other. और ये गाना actually we saw it, we heard it for the first time yesterday. And Anis bhai को मैंने यही कहा कि ये super hit गाना है. It's an outstanding song. I'm sure you all would have liked it if you all heard it. So we're very excited क्योंकि ये हमारा पहला promotional गाना है. Very excited. ये जो गाना है, जैसे जॉन ने कहा कि जब पहली बार सुना, यू नो वी वर ग्रूविंग टू इट एंड वी रियली एंजॉय इट, सो हमें यकीन है कि ऑडियंस भी ये गाना जरूर एंजॉय करेंगे. गणेश मास्टर ने भी मुझे यही कहा था कि यू नो द डांसिंग इज नॉट फ्रॉम योर डाउन, इट्स यहाँ पे होता है. और वी आर एंजॉइंग इट, वी आर एंजॉइंग एवरी मोमेंट. श्रुति एक फैंटास्टिक डांसर है, मास्टर जी एक फैंटास्टिक कोरियोग्राफर है, मेरे लिए काम बहुत आसान हो जाता है. सो आई एम एंजॉइंग, आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम. अक्षय के बारे में अगर बात करें, व्हेन आई साइंड वेलकम बैक, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल्ड वाज अक्षय. और पता नहीं इंडस्ट्री में रिलेशनशिप क्या होता है, लेकिन ही वाज वेरी हैप्पी. लाइक माय आई लव हिम, आई लव अक्षय, इज लाइक माय ओल्डर ब्रदर. और वो इतना खुश था, उसने से बताया कहा कि सुंडी तो कर बहुत अच्छी फिल्म है, और अनीस भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर है. एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एनकरेजिंग थे. और अक्षय के साथ मैंने गरम मसाला में, उसके बाद देसी बॉयज, हाउसफुल में, काफ़ी फिल्मों में मैंने काम किया. आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. और अगर इस फिल्म का पहला ट्रायल होगा तो शायद हम अक्षय को ही बुलाएंगे, बिकॉज ही बी वेरी हैप्पी टू कम, वेरी हैप्पी. तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे पास एक अच्छा दोस्त भी है जो अक्षय है. वी हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप. अक्षय जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, लेकिन वो फिल्म जो है वो ख़त्म हो गई उस कैरेक्टर के साथ और कैटरीना के साथ. तो जब हम लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखी तो बहुत सोचा कि इसमें ये कौन रोल कर सकता है. तो हम सब लोगों का मानना ये था कि इस रोल में जॉन एंड श्रुति दी बेस्ट रहेंगे, और हम लोग लकी रहे कि हमने अप्रोच किया और इन लोगों ने हाँ की. आप जब फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा, पता लगेगा कि इन लोगों ने कितना खूबसूरत काम किया है. We're shooting for that song tomorrow. Anu Malik has composed that song, and Nitin Raikar ne wo gana likha hai. He's written Artie Mandala and bahut kafi gaane likhe, kafi gaane likhe, and very excited. Main kafi nervous hu actually about my how I'm sounding. नहीं, आपने बहुत अच्छा गाना गाया, मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा. इसलिए कि क्या है कि वो गाना कुछ इस तरह का था कि एक सिंगर गाए, और वो जो फिल्म में हमारा कैरेक्टर है अज्जू भाई, वो अज्जू भाई गाए तो बहुत फ़र्क पड़ता है. तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, ये गाना जो है वो अज्जू भाई को ही गाना चाहिए. एंड मैंने जो सुना, मुझे जो लगता था कि जॉन गाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा गाया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई गाना गाने. थैंक यू भाई, थैंक यू.